नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं जिनका नाम है राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा अक्सर अपने गानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और उनकी चर्चा भी तमाम तरीके की होती है। हालांकि पर्सनल तौर पर राकेश मिश्रा जो बातें कहते हैं मुझे परफेक्ट लगता है और बेखौफ होकर जो बातें बोलते हैं वो वाकई कमाल का होता है, और जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो वाकई कमाल का है और वो फैक्चुअल जो है वो बात करते हैं। इसीलिए राकेश मिश्रा जो है वो हमारे एक फेवरेट सिंगर के लिस्ट में शुमार है। लेकिन वो अपने आजकल गानों के साथ अपने बड़े बड़े कारनामों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहता है और मुझे लगता है कि हर कोई इंसान को राकेश मिश्रा से सीख लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि ये राजा तनी जाइना बहरिया, ये गाना जब हिट हुआ था उस समय राकेश मिश्रा के कई सारे इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और उस इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा था कि 12 साल आई थिंक कुछ साल पहले जब गाना हमने गाया था उसके बाद कुछ ऐसा उनके सिचुएशन हो गया था कि घर में दिवाली के दिन दिया जलाने तक का पैसा राकेश मिश्रा के पास नहीं था। सोचिए, कुछ इस तरीके की जिंदगी जो है वो राकेश मिश्रा जी रहे थे और इंटरव्यू के दौरान वो फफक फफक कर रो पड़े थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा है, मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, हर दिन अंधेरा नहीं होता है, एक दिन जरूर जिंदगी में आपका उजाला आता है और वैसा ही उजाला राकेश मिश्रा के साथ हुआ। ये राजा तनी जाइना बहरिया 2021 का या आई थिंक 20 का या 21 का सबसे बड़ा गाना जो है वो कहीं ना कहीं हुआ। इसके बाद ताबड़तोड़ बैक टू बैक राकेश मिश्रा ने ताबड़तोड़ बड़े बड़े गाने किए, स्टेज शो किए और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और पहचान और पकड़ बनाई, और शायद इसीलिए आज सक्षम है कि जो रिक्शा वाला सोशल मीडिया पर वायरल है, दीपक रिक्शा वाला जो मिमिक्री करता है, उसकी मदद के लिए राकेश मिश्रा ने सबसे पहले कलाकार के रूप में वहां पर गए और 21,000 रुपए दिया, उसको प्रोत्साहित किया और उनको सम्मान दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में दिवाली के दिन दिए जलाने के पैसे नहीं होते थे, आज वो लोगों की मदद कर रहा है, इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या हो सकता है। इसके अलावा एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पीके आरन जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और शुभकामनाएं दी कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से आए और फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गाना लिखे। तो मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और हर कोई कलाकार को सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने चेहरे चमका लेंगे लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की मदद करते हैं तो लोगों के दिलों में एक अच्छी पहचान, अच्छी पकड़ और अच्छी पैठ बनती है। और इसके लिए राकेश मिश्रा जी को मेरा सैल्यूट है और पूरे भोजपुरी रिमझिम टीम की तरफ से राकेश मिश्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आए दिन ऐसे ही वो कारनामे करते रहें और लोगों के दिलों पर राज करते रहें। खैर, आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।